इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप टेलीग्राम पे न्यू अकाउंट बनाते हो या फिर टेलीग्राम पर लॉगिन करते हो और अगर इस लॉगिन करने के बाद आपके फ़ोन में एक वेरिफिकेशन कोड आता है, अगर वो वेरिफिकेशन कोड आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है तो गाइस आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो और वेरिफिकेशन कोड अपने फ़ोन में ले सकते हो। सो गाइस वेरिफिकेशन कोड जो है कुछ इस तरह का आता है। अगर आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे आना है। फ़ोन की होम स्क्रीन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही से वर्क कर रहा है। सो इंटरनेट कनेक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल को ओपन करना है और फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है स्पीड टेस्ट, और स्पीड टेस्ट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर रन स्पीड टेस्ट पर क्लिक करना है। और गाइस इस तरह से आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर सकते हो कि क्या आपका इंटरनेट कनेक्शन सही से वर्क कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो सही से वर्क कर रहा है। सो इतना चेक करने के बाद अब आपको वापस से अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे आना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है, और फिर लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो। अब आपको इस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशंस का। अब आपको इस नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन को ओपन करना है। और गाइस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद अब आपको इस वाले नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। अगर आपके टेलीग्राम में नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन ऑफ है तो आपको जो है इस तरह से अपने टेलीग्राम में नोटिफिकेशन ऑन कर देनी है। इतना करने के बाद आपको फिर से एक बार लॉगिन करके देखना है। और गाइस इस बार जो है यहाँ पे 90% चांसेस हैं कि आपका जो ओटीपी है वो आ जाए। अगर गाइस यहाँ पे 10% लोगों का ओटीपी नहीं आता है तो फिर आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, और फिर प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है टेलीग्राम एक्स। और गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आपको जो है इसको इंस्टॉल करके इसमें लॉगिन कर लेना है। ये भी बिल्कुल टेलीग्राम जैसा ही होता है, और इसे जो है टेलीग्राम की पेरेंट कंपनी ने ही बनाया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइस ये तरीके हैं जिसके थ्रू आप टेलीग्राम पे लॉगिन कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।